यही वो जगह है। ये देखो, इस खिड़की के ग्लास में इस इलेक्ट्रिक पोल का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक वैसे जैसे अशोक के घर में उस फोटोग्राफ में था। अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। इतने सारे बेड्स, यह है कौन सी जगह? अरे कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं, वरना गोली मार दूंगा इसको मैं। कौन है तू? कौन हटा? सुना नहीं तुम लोगों ने? गन नीचे। वाच दिव्या, मार दूंगा मैं इसको। एक मिनट। हाँ ठीक है, गन नीचे का, गन नीचे। अरे रुक जा, वरना गोली मारूंगा। बहुत भाग लिया, पुलिया निकालो उसका। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मेरा नाम कांचा है। मैं अशोक को ढूंढ रहा हूँ, मगर आप लोग कैसे? अशोक को क्यों ढूंढ रहे तुम? मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ, कुमार परिवार के वारिस मिस्टर गौतम ने मुझे उसे ढूंढने के लिए भेजा। ओह, वो कुमार परिवार जो शेरगढ़ में सबसे अमीर घराना है। हाँ लेकिन क्यों मिस्टर गौतम को अशोक क्यों चाहिए? वो मुझे नहीं मालूम, और न ही मुझे जानने की जरूरत है। इस अशोक तक पहुंचने के लिए मिस्टर गौतम से मिलना पड़ेगा। ये कहिए, मिस्टर गौतम से मिलना है सर? आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी और मेरे घर में? हाँ, हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम अशोक है, जिसे आप भी ढूंढ रहे हैं। मुझे भी धोखेबाज से पुराना हिसाब चुकता करना है। कैसे जानते हैं आप अशोक को? वो मेरी कंपनी में काम करता था। आपकी कंपनी में? जी हाँ, एक भरोसेमंद असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया? बिल्कुल सही कहा आपने, हमें बाद में पता चला कि उसने जाली सर्टिफिकेट दिखाकर ये नौकरी हासिल की थी। असल में वो चोर था, वो अपना गलत मकसद पूरा करने के लिए यहाँ आया था। क्या क्या चुराना चाहता था वो? वो तो पता नहीं सर, लेकिन वो एक शातिर चोर था। हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। क्या किया था उसने? वो ऑफिस में देर रात तक ओवर टाइम करता था। मुझे लगा था कि शायद ये उसके काम के प्रति निष्ठा है, पर बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे ऑफिस के केबिन के लॉक के साथ छेड़खानी करता था और उसमें घुस जाता था और वहां वहां चला जाता था जहां किसी को भी जाने की सख्त मनाही थी, यानी कि प्रशासन विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। नहीं मिस्टर गौतम, अशोक का मकसद चोरी जैसा छोटा जुर्म नहीं था, हमें उसकी तलाश है। खून जैसे गंभीर अपराध में हमें इसके कैबिन की तलाशी लेनी होगी। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहे। आइए साहब, क्या दूं? दो ये वाला बिस्किट देना, एक ये वाला और एक ये दो। ए, इन लोगों को पहले कहीं देखा तुमने? नहीं साहब, मैंने इन्हें नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हर जगह खाने के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे सुनो सुनो भाई साहब, ये तीनों को कहीं देखा आपने? हाँ साहब, मैं इन लोगों को अक्सर होटल से यहाँ लाकर छोड़ता था, हर बार मुझे मीटर से ज्यादा पैसे देते थे। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं साहब? ये लोग यहाँ पे आते क्यों थे? जहाज से आया हुआ अपना सामान ले जाने आते थे यहाँ। भाई साहब, ये रिक्शा स्टैंड है, कोई हवाई अड्डा नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ ट्रक से सामान आता था और वो लोग यहाँ से लेकर जाते थे। तो तुम उनका सामान लेकर जाते थे? नहीं साहब, घोड़ी की पीठ पर लेकर जाते थे लाद कर। घोड़े की पीठ पर क्यों? साहब उनका सामान है, उनकी मर्जी, मैं भला कैसे पूछूं उनसे, बड़े लोग हैं ना साहब। ये किसके किसके घोड़े थे? वो रहा जैकी। वो? हाँ साहब। ओके थैंक यू। उधर देख लेना बात। ओ भाई, फोन रखिए जरा। हाँ तुम घोड़े वाले हो? हाँ मैं ही हूँ। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, जरा ये फोटो देखो।
ये आ रहा हो विनोद, और ये इन लोगों का सामान तुम घोड़े पे लाके ले जाते हो ना? हाँ साहब। क्या सामान होता है? वो सामान तो बैग होता है, अब उसके अंदर क्या होता है हमें क्या मालूम। और ना कभी तुमने पूछने की कोशिश की है? जी। कहाँ लेके जाते हो सामान? साहब वो होटल ब्लू डायमंड है ना, उसी के पीछे, पीछे की तरफ। ब्लू डायमंड के पीछे? मतलब होटल ब्लू डायमंड में कोई खिचड़ी पक रही है, पीछे के दरवाजे से ये सामान की तस्करी हो रही है। क्या हो सकता है सामान? वही पता करना है पंकज। इस केस की अगली कड़ी होटल ब्लू डायमंड से ही जुड़ी हुई। ये राशों का कैबिन। मैनेजर साहब। जी। यशोक दिन भर आपके साथ यहाँ काम करता था, तो उसके बारे में कोई खास बात जो आपने कभी देखी या सुनी हो? कोई अक्सर उनसे मिलने आता हो या फिर किसी से अक्सर मिलने जाता हो? सर ऑफिस टाइम में तो ना ही उससे मिलने कोई आता था और ना ही वो किसी से मिलने जाता था, पर हाँ अक्सर वो फोन पर लगा रहता था। अब वो किससे और क्या बातें करता था कि कोई जानकारी मेरे पास नहीं। आपने कभी पूछा नहीं उससे? सर मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो गौतम सर का फेवरेट एम्प्लॉय था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और बाद में मैंने भी इग्नोर किया। और कुछ? हाँ वो ऑफिस में सबसे पहले आता था और ऑफिस में सबके चले जाने के बाद भी काम खत्म करने के बहाने लगा रहता था। दरअसल वो सर के पीए से जानकारी लेता था पैसों का लालच देकर, और ये पता चला उसके जाने के बाद, फिर सर ने पीए को भी नौकरी से निकाल दिया। सर अशोक का फोल्डर पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड तो अशोक को ही पता होगा इसका। जरा अशोक डाल के देखो। नहीं सर अशोक की वाइफ का नाम कोयना, डाल के देखो। ट्राई करो। ये भी नहीं सर। सर सिर्फ एक चांस बचा, उसके बाद ये फोल्डर लॉक हो जाएगा। एना, एना ट्राई करो। एना? खुल गया सर। अरे इसमें तो बहुत सारी फाइल्स हैं, 15-20 साल पुरानी फाइल्स हैं। इतनी पुरानी फाइल्स के अशोक की क्या जरूरत थी? सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि अशोक इन फाइल्स को भी देखता था, और ये फाइल्स उसे कहाँ से मिली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से है, रेडी इन सारे फाइल्स की एक कॉपी बना लो, पता तो चले कि ये अशोक इन फाइल्स में ढूंढता क्या था। सर तो ये देखिए वही खिलौने। इन खिलौनों को अपने साथ ले लो, पता करना पड़ेगा अशोक का खिलौनों के साथ क्या संबंध है। लमारिया जी आप ठीक तो है ना? जी हाँ सर, अब तक तो मैं ठीक ही हूँ। बस आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके घर के बाहर ही हैं, कुछ भी गड़बड़ लगे फौरन कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। सर आपको लगता है वो आएगा? आएगा निखिल, जरूर आएगा, हो ना हो उसका अगला शिकार लवाने है, बस हमें चौकन्ने रहना होगा। लवानिया, मुझे मार डालेगा, वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारेगा। कौन मार देगा आपको? ठीक है ठीक है, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको, आइए हमारे साथ आइए। नहीं मैं नहीं आना चाहती,
मैं नहीं आना चाहती, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं नहीं आना चाहती। आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे। आइए आइए, घबराइए मत, आइए 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 आइए। कुछ नहीं, आइए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, निकल दरवाजा, आइए बैठिए। बताइए कौन था, कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता सर, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है निकल, तुम इनके साथ यहाँ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है, संभाल के। समझ में नहीं आ रहा सर, कोई हमारे परिवार वालों के पीछे क्यों पड़ा है? हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है सर, क्या चाहिए उसे, क्यों एक एक करके मार रहे हैं हम सबको? देखिए हम ये सब बातें आपको बाद में बताएंगे, प्लीज आप अभी घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अबे तू? हाँ मैं, अब तुम्हें भी मरना होगा लावण्या। छोड़ो मुझे। देखो अबे तुम लावण्या कुछ नहीं कर सकते हो, भला इसी में गंदो इधर। गन? नहीं, मैं इसे मार दूंगा। लावण्या को कुछ मत करना, कुछ मत करना उसे। मार दूंगा मैं इसे। गन नीचे करो अपनी। उसे कुछ मत करना। गन नीचे करो अपनी। मैं कहता हूँ गन नीचे करो। ठीक है, ठीक है। गन नीचे रखते। बस बहुत हो गया उछल कूद, खेल खत्म तुम्हारा। बता क्यों मारना चाहता था लावण्या को? साहब मेरा जिंदा रहने के लिए लावण्या का मरना जरूरी था साहब। देख तो जिंदा रहेगा या मरेगा अभी हमारे हाथ में है, अगर सही बोलेगा तो बच सकता, इसलिए बता दे ये सारा खेल कौन खेल रहा है, समझा? मुझे नहीं पता साहब, मुझे बस धमकी दी गई थी कि अगर जिंदा रहना है तो लावण्या को मारना होगा। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना चाहोगे? बोलो। नहीं। तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? और उन दोनों को भी तूने इसीलिए मार दिया क्योंकि किसी ने तुझे धमकी दी थी? नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि हम लोग अगवा किए गए थे और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी जान बचा के भागा साहब। देख झूठ बोलने का कोई फायदा है ना, कहानी बंद कर और सच सच बता, समझा? मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस भाग रहा था कि अचानक बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक गोडाउन में पाया और अंधेरे में उस आदमी ने मुझे बताया कि मैंने अपने दोनों दोस्तों का खून कर दिया और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे CID के हवाले कर देता साहब। और तूने उसकी बात पर भरोसा कर लिया? और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था साहब, ना ही मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत था, मुझे कुछ याद भी नहीं था और मैं क्या करता साहब? और कुछ याद है तुझे? हाँ साहब, वो दोनों लक्ष्य और बीर किसी लेन देन की बात कर रहे थे साहब। वो दोनों किस लेन देन की बात कर रहे थे, तूने पूछा नहीं? पूछा था साहब, लेकिन उन्होंने कहा ये उनकी आपस की बात है। आपस की बात? जरूर कोई बड़ी साजिश हुई है। हाँ साहब, लग तो कुछ ऐसे ही रहा था, वो किसी होटल की बात कर रहे थे साहब। कहीं वो दोनों होटल ब्लू डायमंड की बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ साहब, शायद वही होगा। होटल ब्लू डायमंड, कहाँ थे तुम? मैं तो बस बाहर था, तुम ही को ढूंढ रहा था यार। जरा अंदर आओ। अभिजीत, ये आदमी कौन है श्रेया के साथ?
ये दरअसल वो श्रेया का कजन है यार। कजन है? हाँ। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ वो घूमने आया था। श्रेया से मुलाकात हो गई तो लगता है कुछ बात कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं इन लोगों का? अरे सुनो, अरे तो तुम लोग यार खिलौनों से खेलते रहोगे या कुछ पता भी लगाया अशोक का खिलौनों का क्या संबंध है? सर, शेरगढ़ में एक बड़ा सा चलता फिरता रोबोट घूम रहा है जिसमें बम लगा है। सर, ये लोग बहुत एडवांस और फ्यूचरिस्टिक है सर। सर, मॉडर्न वेपन्स कैसे यूज करना इन्हें आता है सर। सर, इसलिए ये लोग रोबोट बना रहे हैं सर। श्रेया वो होटल में जो घोड़ों पे लद के सामान जा रहा है उसके बारे में क्या पता चला? हाँ सर, रिजॉर्ट के किचन के लिए हर दूसरे दिन घोड़ों पर लाद कर राशन की बोरियां लाई जाती थी। मतलब अनाज के आड़ में कोई गैर कानूनी सामान ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा होटल वालों का हाथ तो नहीं है इसमें। हेलो, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। अभय को जंगपुरा रेलवे लाइन के पास एक वेयर हाउस में रखा गया था। जंगपुरा रेलवे लाइन के पास वेयर हाउस? हेलो सचिन, वेलकम सर, स्वागत है आपका। मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद, हमने एक कमरा बुक करवाया था। ओके सर। 103, 103 का चाबी देना। वेटर। यस सर। साहब का सामान कमरे तक छोड़ दो। यस सर। थैंक यू। वेलकम सर। सर, आप लोग क्या हनीमून पर आए हैं? नहीं। तो फिर तुम एक काम करो, तुम कमरे की चाबी दे दो, ये सामान हम खुद ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब तुम्हारी बारी है कल्लू, लगता है आज जीतने का रिकॉर्ड बनाओगे और तुम लोगों के हारने का रिकॉर्ड बन जाएगा आज। बॉस का फोन है, तुम लोग खेलो। हेलो। हाँ बॉस। लावण्य बच गई, अभय को सीआईडी ने पकड़ लिया है, फटाफट जगह खाली कर दो ये। और लावण्य क्या करना है बॉस? मौका देकर उड़ा दो उसे। ठीक है बॉस। ए, फटाफट निकलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि सीआईडी आ गई है। अरे फोन पकड़ो, मुझे छोड़ दो। गोली क्यों चला रहे? तो गोली तेरे बूंदों में। रुको, जरा से भी हिले ना तो गोली अब हम चलाएंगे। चलो। बोलो कौन है बॉस तुम लोगों का? पता नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा। बॉस का नाम बोल। बोल। बोल दो साहब, पूरा नाम है बॉस का। पूरा लावण्य का असिस्टेंट। जी साहब। लेकिन ये पूरा अपने बॉस को क्यों मारेगा? मुंबई से लेके शेरगढ़ तक सारे कारनामों को कहीं इसके बॉस पूरब ने अंजाम तो नहीं दिया? हो सकता है काबिल, इस पूरब से जाकर मिलना पड़ेगा। अनाज के साथ ही उन सामानों की तस्करी हुई है, जो कुछ भी मिलेगा यहां इस किचन में ही मिलेगा।
सर ये देखिए। इसमें तो सिर्फ अनाज है। इसमें कुछ भी नहीं है सर। सर हमने सारा किचन देख लिया लेकिन यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा है। आई थिंक हमें जाना चाहिए वरना कोई आ जाएगा। ठीक है। ये आवाज कैसी? सर यहाँ से आ रही है। इस फ्रिज के अंदर से खुफिया रास्ता है। सर फ्रिज के पीछे इतना बड़ा खुफिया कमरा। अनाज की बोरियों के साथ जो सामान लाया गया था यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ उन तीनों ने। तो ढूंढो। सर ये देखिए ये वायर्स औजार ये मशीन्स ये सब किस लिए? इस बक्से में ये आरडीएक्स भी है। आरडीएक्स इतना सारा? इसका मतलब वो तीनों यहाँ पर बॉम्ब बना रहे थे। हाँ श्रेया, और एक बॉम्ब ने इतने बॉम्ब जिसे यादा शेरगढ़ उड़ सकता है। समझ में नहीं आ रहा है सर ये सब करके उन्हें क्या मिलने वाला था? ये पता लगाना है। इससे पहले अब अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? सर वो देखिए कैमरा, कोई हम पर नजर रखे हुए है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। दरवाजा खोलो। शेर तुम ठीक हो? हाँ सब ठीक हूँ। पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा है। लगता है यहाँ हाथापाई हुई है। हाँ, इस पूरे घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। सचिन, आका भाई, ये देखो। माय गॉड, गोली मारकर हत्या की है इसकी। बुरे काम का बुरा नतीजा, एक गोली माथे पे और एक सीने पे मारी है। पूरब ने तो अबे के हाथों लावण्या की जान लेने की कोशिश की थी, फिर इसे किसने मारा होगा? एक काम करते, इस जगह को अच्छे से ढूंढते, कुछ ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ये क्या फोटो?
पूरब की और नाम किसी अविनाश का। अविनाश अविनाश अविनाश। सारे सबूतों से तो साफ जाहिर होता है कि ये अविनाश है, पूरब नहीं। इसने अपनी पहचान बदली है, पर क्यों सर? हाँ, ये फोन मिला है। एक काम करो, इस फोन में चेक करो कि अविनाश का अशोक या उस जैसे किसी भी गुंडे से कोई भी संबंध था या नहीं। यस सर। ये देखो कवि। हाँ सर जी। ये जमीन के कुछ पेपर्स मिले हैं किसी अविनाश नाम के आदमी के। क्योंकि ये आदमी अविनाश ही है, इसने अपनी पहचान बदली थी। अच्छा। अरे लगता है ये तो वही जमीन है जहां पे होटल ब्लू डायमंड बना हुआ है, और ये अविनाश जमीन का मुकदमा किसी रेड ट्रस्ट कंपनी से हार चुका है। रेड ट्रस्ट। जहां तक हम जानते हैं लावण्य का किसी भी ऐसी कंपनी या ब्लू डायमंड होटल से कोई लेना देना है नहीं, फिर कोई उसको मारने की कोशिश क्यों करेगा? हैरानी की बात है सर। हाँ, इसमें अशोक नाम के किसी भी आदमी का कोई भी कांटेक्ट नहीं मिला, और ना ही उसका किसी और अपराधी से कोई संबंध है। अगर इस अशोक का अविनाश के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो जरूर अशोक का लेना देना किसी ऐसे अपराधी के साथ है जिसने इस अविनाश उर्फ पूरव को मारा है। हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, दया सर को फोन करता हूँ, पूछता हूँ उन्हें वहाँ होटल से कुछ पता चला कि नहीं। अरे कविन, दया सर को फोन करने की जरूरत नहीं। उनका फोन ट्राई किया मैंने, उनका और श्रेया दोनों का ही फोन नहीं लग रहा है। और तो रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि वो लोग होटल में है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हमें ही होटल जाना पड़ेगा। देखते हैं वहां हुआ क्या है। हम सीआईडी से आपसे बात हुई थी। हाँ सर। मिस्टर प्रमोद और उनकी पत्नी कमरे में? नहीं सर, मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि सुबह से ही वो दोनों अपने कमरे में नहीं है। तो इस तरह अचानक कहाँ गायब हो गए आपके होटल से? सर ये मैं कैसे बताऊँ कहाँ चले गए। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है आपके होटल में। विक्रम किचन चेक करो। मैनेजर कहाँ? क्या बात है सर, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमारे दोस्त सीआईडी ऑफिसर आपके होटल से लापता है और आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सीआईडी ऑफिसर? वो मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद की बात तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? देख, ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत कर, वरना बहुत भारी पड़ेगा, समझे? माफ कीजिए सर, हमें जितना पता था वो सब हमने आपको बता दिया। अनाज की आड़ में अवैध सामानों की तस्करी होती है, लोग अचानक आपके होटल से गायब हो जाते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। देखिए सर, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना सबूत के हम पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते। सर किचन में कुछ भी नहीं मिला सर। ये डायरी आपकी है? जी सर, मेरी ही डायरी है। एक मिनट दिखाइए, दिखाइए दिखाइए। क्या हुआ सर? अरे सर इसमें कुछ नहीं है। ये जो निशान है, बिल्कुल ऐसा ही निशान उस गुंडे के ब्रेसलेट पे था जिसने बाजार में हमारे लोगों पर हमला किया था। अरे सर ये संयोग भी तो हो सकता है ना सर। संयोग हो सकता है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, सच सच बता, वरना तेरे इसी संयोग से तेरी जेल में ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सर वो किचन के पीछे कमरा है सर, वहीं पे है सीआईडी वाले आपके। दिखा वो कमरा। यही जगह है सर। दया सर और श्रेया कहाँ हैं? पता नहीं सर, कहाँ चले गए दोनों, थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। सर देखो, ऐसा लगता है दया सर के जूते का निशान सर, ऐसा लग रहा है दया सर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की सर। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि सीआईडी वालों की जान से खेलने का क्या अंजाम हो सकता है। निकल, काट दे इसे जमीन में। देख, जबान खोल दे। वैसे भी तो अब किसी काम का नहीं है। बताता हूँ, प्लीज गोली मत चलाइएगा। बोलना। उससे कहा गया था कि यहाँ सिर्फ होटल चलाओ तुम,
यहाँ जो भी होता है होने दो, लेकिन मुझे ये पता नहीं सर यहाँ होता क्या है। निकल, इस कमरे की अच्छे से छानबीन कर। सर, होटल का खुफिया कमरा मिल गया। यस सर। सर, लेकिन श्रेया और दया सर के बारे में कुछ पता नहीं चला है और ना ही कोई सुराग मिला है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पता लगा लिया है, बॉम्ब बन रहे हैं। बॉम्ब खिलौनों के अंदर बॉम्ब फिट किए गए हैं। बॉम्ब? हाँ, एक बॉम्ब नहीं, जितना सामान उन तीनों ने तस्करी किया है ना, उससे बहुत सारे ताकतवर बॉम्ब बने होंगे। लेकिन उनका निशाना क्या था सर? पता लगा, इसका जवाब वहीं मिलेगा। सर, देखिए कुछ पता चला कोई सुराग किसी जगह के बारे में? सर, पूरे कार्ड निकाले सर और किसी भी जगह कोई सुराग नहीं मिला सर। कुछ तो होना चाहिए ना निखिल, कुछ तो होना चाहिए, कोई सुराग तो मिलना चाहिए ना हमें। नक्शा कहाँ का है? यहाँ का तो नहीं है। शायद उस जगह का नक्शा जहाँ पे लोग अपने इस काम को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन जगह हो कहाँ सकती है? हमें यह तो पता चल गया है कि उन खिलौनों में बॉम्ब था और अशोक उन खिलौनों से जुड़ा हुआ है। और ये अशोक कुमार जी की फैक्ट्री में काम भी करता था, कहीं ये कुमार वालों की जगह तो नहीं? का ये तीसरा वाला हिस्सा मैच नहीं कर रहा है किसी से भी। ये फैक्ट्री और ये घर, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, हमें वहां चलना चाहिए जिसके बारे में हमें पता चल गया है, कुमार जी का घर और उनकी फैक्ट्री पे। ओह माय गॉड, इससे तो गोली लगी है। जिंदा है, सांस चल रही है। फर्स्ट एड बॉक्स और पानी की बोतल जल्दी लेकर आओ। घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। कौन थे वो? किसने किया ये हमला? साहब, कुछ लोग बंदूक लेकर आए थे और अचानक गोलाबारी करते हुए घर में घुस गए। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उन लोगों ने मुझ पर गोली चला दी। गौतम जी, उनके परिवार के लोग कहाँ पे हैं? गौतम साहब और उनके परिवार के लोगों को अगवा कर अपने साथ ले गए। तुम उनमें से किसी को पहचानते हो? नहीं साहब, सबने नकाब पहन रखा था, पता नहीं कहाँ लेके गए सबको। हेलो, क्या? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ निखिल? सर, कुमार जी की फैक्ट्री को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया। क्या? इसका मतलब यहां भी खतरा हो सकता है। निकलो यहां से, चलो आइए। सर, मतलब गौतम जी और उनके परिवार की जान खतरे में है। हाँ निखिल, और हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, मगर कहाँ? हेलो, हाँ दुष्यंत, एक और बात सामने आई है। अशोक ने जो फाइल चुराई थी उसमें और कुछ नहीं बल्कि 20 साल पुरानी इंश्योरेंस रिपोर्ट्स हैं सिर्फ। किस बात की? दरअसल बात यह है कि 20 साल पहले कुमार की एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जहाँ काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और कई जख्मी हुए थे। हमें संदेह है ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी।
इसका मतलब कुमार जी के परिवार के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है इसका संबंध उनकी पुरानी फैक्ट्री में लगी आग से जिसमें काफी लोग मरे थे। कहाँ थी ये पुरानी फैक्ट्री? मिल एरिया में। इन सीआईडी वालों को मैं अपने हाथों से उड़ाता हूं। बहुत बेचैन थे ना मुझे ढूंढने के लिए। हाँ, इसके बाद कुमार वालों के साथ इस पुरानी फैक्ट्री को राख कर देंगे। जब लड़की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब तुझ जैसों का बुलावा आता है ना तब वो सीआईडी से पंगे लेने की सोचता है। तुम्हारी हेकड़ी से मुझे बहुत तकलीफ होती है ऑफिसर, अब और नहीं सह सकता मैं इसे। ये सब तुम्हारा रचा हुआ खेल था, हैं? चौक है? अभी तक तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। तुमने अपने भाइयों को ही मार दिया? मैं किसी को भी मार सकती हूँ जो मेरे और मेरे प्लान के बीच में आएगा, फिर चाहे वो मेरे भाई हो या तुम सीआईडी ऑफिसर्स। मेरे भाइयों को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था कि मैं इन कुम्हार परिवार को मार देना, तबाह कर देना चाहती हूँ। लेकिन इन लोगों को क्यों मारना चाहती हो तुम? क्योंकि इनके बाप दादाओं ने मेरे पिताजी को, यानी कि इस फैक्ट्री के मैनेजर को जलाकर मार दिया था। खुद तो अपनी इस पहली फैक्ट्री में आग लगवा कर इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, लेकिन मुझे अनाथ कर दिया। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो, कि तुम्हारी गलतफहमी हो। नहीं, ये कोई गलत फहमी नहीं है। मैंने अशोक के जरिए पूरी सच्चाई का पता लगा लिया था। और पूरब को इसलिए मार दिया क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गया था, है ना? हाँ, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे भाइयों के गाइड को मार दिया।
जिसे मैंने हायर किया था अपने भाइयों को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन तुम सीआईडी वाले आ गए। बीच में टांग लड़ाने की आदत गई नहीं ना तुम लोग की। अभय के हाथों मुझे मरवा कर मुझसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि मैंने उसकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से होटल जो बना लिया था। नहीं लवण्य, तुरुप के पत्ते अभी बाकी हैं। ओह, तो तुम लोग भी आ गए यहाँ मरने के लिए। जानते हो उन दोनों ड्रम्स में क्या है? उन दोनों ड्रम्स में RTX भरा हुआ है, RTX, और उसके ऊपर मैंने बॉम्ब फिट करके रखा है। यहाँ एक ट्रिगर दबा और वहाँ बॉम्ब। देखो, हमें माफ कर दो। चुप, शट अप। देखना चाहते हो? हम सब के सब मारे जाएंगे। You wanna see? प्लान फेल हो गया तुम्हारा। पत्ते तो तुमने बहुत बिछाए थे, लेकिन तुम्हारे पत्तों में दम नहीं था। सारे इक्के CID के पास है। बस बस बस, बहुत हो चुका। चल चल, छोड़ो, तस्लीम। वो श्रेया कहाँ पर है? हाँ, श्रेया वो पैकिंग कर रही होगी शायद। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उनको बता देना कि मैं बाहर उनका वेट कर। हाँ, आप बाद में आइए, अपना काम निपटा लीजिए। अरे ठीक है, आप बाहर क्यों रुकेंगे? आप यहाँ बैठिए, हमारे साथ चाय पीजिए। बैठिए भाई, उनको कोई जरूरी काम होगा यार। अरे कुछ नहीं, बैठो। थैंक यू जी। लगता है आप लोगों की पैकिंग हो चुकी है। पैकिंग में क्या है वे? मैं तो वैसे भी थोड़े से सामान लेके चलता हूँ। और मैं जो कुछ हाथ में लग जाए मैं भर देता हूँ बैग में। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते मुझे पैकिंग में। हाँ, वैसे भी सलीके से संभालने वाला काम तो आपकी बीबी कर देती होगी। और मुझे लगता है आपको कुछ आइडिया नहीं इसके मामले में। नहीं, बीबी नहीं, शादी नहीं हुई, मगर शायद बहुत जल्दी हो जाएगी। आपकी पैकिंग आई थिंक आपकी पत्नी ही करती है। जी नहीं नहीं नहीं, मेरी अभी आप ही की तरह है कुछ, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं से हम बन जाएंगे। बहुत जल्द जिंदगी बदलने वाली है आपकी। हाँ? शायद, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। ओह रियली? जी, मतलब वो थोड़ी रफ एंड टफ है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का चुपचाप काम करने वाला। कोई बात नहीं, वैसे भी ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, क्यों अभी जी? वो तो है। आपकी लाइफ तो काफी इंटरेस्टिंग होगी, है ना? अच्छा, वैसे आप कुछ बता रहे थे, आपका भी पता नहीं पर है कोई खास। अच्छा, कुछ बताइए उनके बारे में। क्या बताऊं, बहुत अच्छी है वो, प्यारी सी, और जैसे मैं सोचता हूँ बिल्कुल वैसी ही है वो। लेकिन मेरी वाली तो खतरों से खेलती है। खतरों से खेलती है? इंटरेस्टिंग, क्या करती क्या है वो? वो कॉप है, CID ऑफिसर। CID में? तब तो हम उसे जानते होंगे। नहीं, नहीं मतलब इसे अभी पर्दे पे रहने दीजिए। क्या है ना, राज को राज रखने में भी एक मजा है। आप इनको मत बताइए, ये इनको नहीं बताएंगे। मतलब अभी क्या जरूरत है इतनी जल्दी की? सर, हम रेडी। काफी देर लगा दी आपने अंदर। चलो यहां से
से चलो, यहाँ का तो काम खत्म हो गया। ए, निकलो भाई, सब लोग निकलो निकलो। चलिए चलिए चलो भाई चलो। अरे यार यहीं थोड़ी ना रहना है, निकलो यार यहाँ से। चलो निकला। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.